सो हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम लोग सर्किट रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे किसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3055 ट्रांजिस्टर, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है अपने साउंड के मामले में, तो यहाँ पे हम लोग लोकल जो 3055 आता है, जो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा 10 से 20 रुपए में, वहीं आपको कंपनी में एक ही कंपनी बनाती है अब इसको, बेल कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका ट्रांजिस्टर आप लेने जाओगे तो वो आपको समझ लो 50 रुपए से 80 रुपए तक के बीच में आपको मिलेगा। इतना महंगा ट्रांजिस्टर, सोचो इतना अंतर है। तो एक दिन मैं इसी तरह कुछ देख रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे मालूम चला मेरा ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर का वो लोकल है। आप खुद भी दिमाग लगाओ, आप ये किट खरीदने जाओगे जिसमें लगा हुआ आता है, ये मार्केट में 300 से 400 रुपए का है। अगर हम ये एक पेयर लें अगर इस ट्रांजिस्टर का, तो वो लगभग आपका अगर 80 रुपए या मैं कहता हूँ चलो 70 रुपए का भी हुआ तो 140 का तो पड़ गया, और ये मुझे 65 का पड़ा 130 का, और 130 एक पेयर यानी कि दो पीस और एक पेयर और यानी कि 260 रुपए का केवल ट्रांजिस्टर हो गया। फिर उसमें इतना बड़ा किट वगैरह देना तो बहुत ही अनइवन लगता है, इसीलिए कंपनी इसमें लोकल लगा के देती है। तो देर ना करते हुए आपको इसके साउंड की क्वालिटी दिखाते हैं कि आपको इसको मतलब अपने एम्पलीफायर में, अपने बोर्ड में इसको चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए। और बाकी ट्रांजिस्टर वही तरह लगेगा, इमीटर का जो वायर इमीटर पे, बेस का वायर बेस पे, और कलेक्टर का वायर कलेक्टर पे लगेगा। तो ये मैंने एक ही चैनल पे दो स्पीकर जोड़ रखा है जो कि हमारे 50-50 वाट के हैं, तो 100 वाट बन जाता है। और ये ट्रांजिस्टर अगर आपने अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मर और बढ़िया कैपेसिटर लगाया है, यानी कि अपना जो सप्लाई है वो अच्छा मतलब तगड़ा बनाया है, तो ये आपको एक चैनल पे 100 वाट और दूसरे चैनल पे 100 वाट देगा। तो एक तरफ हमारा कंपनी का लगा है, दूसरी तरफ लोकल लगा है। आइए गाना बजा के देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने DJ STY का गाना प्ले किया है, टेरर वाला। अगर प्रयागराज से हो या फिर यूपी से हो तो ये गाना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा इस मेले में। तो चलो इसको प्ले करते हैं। अभी जो हम लोगों का जो बज रहा है वो जो बेल कंपनी का ट्रांजिस्टर है, उससे हमारा दोनों स्पीकर बज रहा है। इसके बाद मैं चेंज करूंगा दोनों स्पीकर का वायर लोकल वाले पे। तो चलिए सुनते हैं, वॉइस फुल पे करते हैं धीरे धीरे, देखते हैं आवाज कहां से फटना स्टार्ट होती है। जैसा कि आपने भी वॉइस सुना, इसको ईयरफोन लगा करके आप जरूर सुनिएगा, तभी समझ में आएगा, आपके मोबाइल के स्पीकर में नहीं समझ में आएगा। जो हमारा लोकल वाला चैनल है उस पे मैंने ये दो ट्वीटर जोड़ रखा है, इसीलिए आपको पतली आवाज भी आ रही है। तो इसको निकाल देते हैं, चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अगर मैं इस पे, लोग कहते हैं कि ट्रांजिस्टर जो लोकल होता है वो हीट करने लगता है, तो अगर मैं बात करूं तो हीटिंग का, तो हीटिंग तो भाई एकदम ना के बराबर है, ठीक है। बाकी लॉन्ग रन पे थोड़ा सा गर्म होगा, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर हीट सिंक लगी है। तो आइए, आपने जैसा कि बेस परफॉर्मेंस देखा तो आवाज कहीं ना कहीं फट रहा है। एक्चुअली ये जो स्पीकर है, जो इसमें जो स्पीकर डला हुआ है वो लोकल वाला है, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, इस वजह से बेस जो है हमारा क्या है, फट रही है आवाज। आइए अभी हम लोग लोकल वाले पे चेक करते हैं। एक्चुअल मैंने स्पीकर उल्टा करके रखा है ताकि वॉइस जो है कमरे में अच्छा खासा गूंजे। ये भी फुल पे है, बेस बढ़ाते इसका, इस चैनल का। Thank you.
दोस्तों बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है कि मैंने जब हाथ लगाया इसको, मैं पहले तो एक मिनट तक रन कर रहा था ताकि चेक करूं, तो भाई कुछ खास फर्क तो मुझे नहीं दिखा है। शायद अगर किसी को अगर दिखा है तो वो प्लीज मुझे कमेंट करना। मुझे तो भाई कुछ खास मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है, बहुत ही बढ़ करके आ रही है, तो कुछ ऐसा रिजल्ट तो मुझे नहीं दिखा। अगर आपको ऐसा दिखता है तो बताना, तो मुझे नहीं लगता भाई आपको वर्थ इट है। बाकी हाँ भाई, ये जो किट आता है, अगर बना हुआ जो आता है, अगर आपने अच्छा पावर सप्लाई बराबर दिया है और जो स्पीकर है वो प्रॉपर कनेक्ट किया, ज्यादा वाट का नहीं दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा चलता है, लंबे टाइम तक चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि मॉडर्न जमाने का नहीं, पुराने जमाने का जो सर्किट बोर्ड है, तो ये सब लंबे समय तक चलते हैं। तो वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाला है, तो भाई प्लीज हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर आपको अगर लगता है कुछ कि कंपनी और लोकल में कुछ फर्क है, तो आप जरूर उस पर कमेंट जरूर करिएगा। बाकी हाँ, हो सकता है ये लॉन्ग रन पे अगर इसको फुल पे अगर हम लोग बजाएं तो लोकल वाला शायद खराब हो जाए जल्दी, ब्रांडेड वाला ना खराब हो, क्योंकि इसका जो प्लेट होता है अंदर का, जो ट्रांजिस्टर का जो प्लेट होता है मेन आईसी वाला, वो बड़ा होता है, और वो तो बाकी सब आप तो जानते ही हो। तो चलो वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।